फॉलोइंग डायोड विच इज फॉरवर्ड बायस, ऐसा क्वेश्चन बार 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 पूछा जाता है, तो कौन सा इसमें से फॉरवर्ड बायस में होगा? तो चलो फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन का क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में अगर एक डायोड है और ये प्लस माइनस, तो ये प्लस टर्मिनल अगर प्लस से कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल ये निगेटिव से कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है प्लस प्लस से कनेक्टेड है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, और ये जो चीज़ है निगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना भाई। यहाँ कनेक्शन करोगे ना यार, यहाँ प्लस से कनेक्ट करोगे और इसको माइनस से कनेक्ट करोगे, प्लस माइनस, तो प्लस से कनेक्शन का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस में लोअर, और ये लोअर और ये हायर, और रिवर्स में रहेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, ये हायर हो जाएगा। तो अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है प्यारे बच्चों फॉरवर्ड बायस। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस पूछा है तो चलो चेक कर लेते हैं, एक बार जूम कर दूं क्या आपके लिए, जूम, अरे भाई जूम करना भाई। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये प्लस है और ये निगेटिव है, तो प्लस जीरो पोटेंशियल है और ये माइनस टू है, तो ऑब्वियसली यार फॉरवर्ड बायस में यही सही है, जीरो हायर है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अब यहाँ से देखो ये प्लस है, जीरो है और ये निगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल पे नहीं है, ऑप्शन गलत है। ये माइनस टू है, ये प्लस है और ये माइनस टू है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे है और हायर पोटेंशियल, जबकि ये वाला फॉरवर्ड बायस में हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये प्लस है, प्लस 5 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल है, और ये 12 है, तो ये हायर पोटेंशियल पे ये पॉइंट और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है। चलो करेक्ट।